उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी पर एक बार फिर से मानहानि का केस कर दिया गया है। दूसरी तरफ भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से यह कहा कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सुपारी दे दी गई है कि मेरी छवि किस तरह से ये लोग खराब कर सकते हैं। इसमें कुछ ताकत भारत के भीतर है, कुछ ताकत बाहर से भी है जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे ही यह जानकारी दी कि कांग्रेस अब ऊपरी अदालत में जाने वाली है मानहानि केस में मिली सजा के खिलाफ अपील करने के लिए, ठीक उसके बाद कुछ और भी मानहानि के केस राहुल गांधी से जुड़े हुए सामने आ गए और एकाध तो नया केस लाद दिया गया। जो नया केस है वो संघ ने किया है। संघ को उन्होंने कौरव से तुलना कर दी थी। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर अब हरिद्वार में केस दर्ज करवा दिया गया है। अब इस मामले में भी सुनवाई होगी, क्या राहुल गांधी को इस मामले में भी 2 साल की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी पटना में केस कर रखा था मोदी सरनेम वाले मामले में, उसमें भी राहुल गांधी को समन भेज दिया गया। तीसरी कोशिश यह हो रही है कि राहुल गांधी तो अब अयोग्य ठहरा दिए गए हैं सांसद की सदस्यता से, तो ऐसे में उन्हें अब जो है कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, जब भी कोर्ट बुलाए उन्हें आना चाहिए। इस तरीके की भी बात लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के पीछे पूरी भाजपा और संघ क्यों पड़ी हुई है। राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक कई मानहानि के मामले खोले जा रहे हैं। अब इस संबंध में संघ वालों की एंट्री और पीएम मोदी का बयान दोनों रिकनेक्ट हो गया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें बताया गया है राहुल पर मानहानि का केस, आरएसएस को कौरव बताया था, मोदी बोले मेरी छवि खराब करने के लिए सुपारी दी गई है। अब यहां से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को भी समझना जरूरी है कि मोदी जी को भी यही लगता है कि कांग्रेस उनकी छवि खराब कर रही है। जबकि राहुल गांधी का मुख्य काम क्या था, वो जनता के मुद्दे को उठाते हैं, देश में अगर सरकार की कोई गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ वो प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, जिसमें उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्ते को लेकर भी सवाल किए थे। अब इसको लेकर ही बीजेपी अलग से राग अलाप रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक मंच से यही कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या यह झूठ है कि प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच कोई गहरी दोस्ती नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गौतम अडानी को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है? ठीक ऐसे ही सवाल अगर राहुल गांधी पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देने की बजाय सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी छवि 2014 से ही धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि संघ ने क्यों केस किया है, कौरव बताया था, इस संबंध में हरिद्वार कोर्ट में क्या हुआ है, इसके लिए जरा आप देखिए कि खबर क्या है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। यह मामला एक आरएसएस कार्यकर्ता ने दर्ज कराया है। इस पर 12 अप्रैल को हरिद्वार कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरएसएस के लोगों को 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसी बात को लेकर संघ वालों को मिर्ची लगी है और संघ वालों ने हरिद्वार में जाकर केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि जानकारी उन्हें इस बात की हो गई थी कि कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने जा रही है। गुजरात सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी अपील दायर कर सकते हैं और इसके लिए शायद सोमवार का ही दिन चुना जाएगा, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल तक इस मामले में अपील कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही इस खबर की चर्चा हुई है, ठीक उसके बाद पटना वाला केस भी सामने आ गया है। राहुल गांधी को मानहानि केस में नोटिस भेज दिया गया है, जो सुशील मोदी ने किया था। इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है जरा देखिए। बताया गया है कि मोदी सरनेम पर किए कमेंट को लेकर बिहार के पटना जिले की MP MLA कोर्ट ने राहुल को पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा कि राहुल 12 अप्रैल को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएं। दरअसल भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019
राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था 2019 में। इसी मामले में राहुल को सूरत की अदालत ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता छिन गई है, क्योंकि गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में केस दर्ज कराकर उन्हें 2 साल की सजा सुनवा दी है। लेकिन अब दूसरी तरफ सुशील मोदी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी इस केस में उलझे और केस का नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी अब इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का वह भाषण भी आ गया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश शायद कांग्रेस कर रही है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बताया है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर विपक्ष को घेर दिया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है उसके लिए भी जरा आप दैनिक भास्कर का यह स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें बताया गया है कि जब वो कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाए थे, तो फिर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और कहा, हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि वे मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के लोगों को सुपारी दे रखी है। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर और कुछ बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज हर भारतीय मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं, नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब यह मानते हैं कि उनकी छवि धूमिल हो रही है, जबकि विपक्ष उनसे सवाल करता है, तीखे सवाल, उनके गलत नीतियों के खिलाफ सवाल, जनहित के मुद्दे, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मोदी सत्ता इन सब पर जवाब देने की बजाय विपक्ष को ही निशाने पर ले रही है, उन्हें ही घेर रही है। ऐसे में तो दौर इस वक्त ऐसा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की मांग करता है तो फिर उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है, और शायद मोदी जी निशाना साध रहे होंगे कि ये भी हमारी छवि खराब कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि सड़कों पर किसी ने मोदी हटाओ देश बचाओ का भी पोस्टर लगा दिया, तो भी यह माना जा रहा है कि मोदी जी की छवि खराब हो रही है। अगर पोस्टर इस बात का भी लग गया, क्या इस देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब भी इन पर कार्रवाई हो गई, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। भले ही यह आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं था। विरोध करना हर किसी का अधिकार होता है, और ऐसे में जब विरोध जताया गया तो उन पर कार्रवाई की गई। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से यह कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देख लीजिए, ये मानहानि के केस में फंसे हुए हैं, इनकी संसद सदस्यता चली गई है, ये आगे अपील करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसे केस उनके सामने खोलकर रख दिए हैं। इस संबंध में कुछ और उनके बारे में जानकारी है कि कई और केसेज हैं, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर क्या कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। भिवंडी कोर्ट में इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। राहुल पर इसके अलावा 3 और मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। अगर एक से निकलेंगे तो राहुल गांधी को दूसरे में फंसने की कोशिश जरूर की जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी का रास्ता 2024 तक रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बयान के बाद से भी यह लगता है कि राहुल गांधी को ये लोग सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपनी छवि जैसी बनाई है, देश में उन्हें जितना प्यार मिला है, वो तो डंके की चोट पर जब मानते हैं कि ऐसे तमाम बाधाओं से पार निकलकर देश के लिए वो आगे खड़े होंगे, फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए कांग्रेस और भाजपा के इस सियासी लड़ाई में बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।